जी इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर एंड मुझे लग रहा है कि रॉ न्यू कमर्स के साथ आज के ज़माने में फिल्म बनाना अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंज है और गॉड विलिंग बहुत पसंद आएगी लोगों को फिल्म बिकॉज सब्जेक्ट में बहुत 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 ज़्यादा पोटेंशियल है। म्यूज़िक इसका भी बहुत बहुत ग्रो कर रहा है, लोगों को सारे गाने पसंद आ रहे हैं, बहुत फ्रेश, बहुत ही फ्रेश अप्रोच है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द मूवी एंड मैंने देखी नहीं है क्योंकि मैं लेट हूँ, लेकिन मैं कल थिएटर में ज़रूर जाऊँगा। I'm very sure it's going to be very nice. Madam, you have to say something ki middle class love hai. Is mauke par हाँ मुझे आई नो द स्टोरी ऑफ द फिल्म, मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगती है। एक मिडिल क्लास लड़का अपनी मिडिल क्लास नहीं होना चाहता है और कैसे उसकी जर्नी हम देखते हैं थ्रू वट एवर द स्टोरी। आई डोंट वॉन्ट टू से मच बिकॉज द ऑडियंस विल गो टू द थिएटर्स एंड सी, एंड ऑफकोर्स हिमेश इज गिवन as always great music, so I'm looking forward to enjoy the film, that's it. और इसके लिए ना मैं इसका स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूँ बिकॉज सोनू रील्स के लिए नखरे बहुत करती है और वो रील्स अभी बहुत पॉपुलर हो रही हैं। सो आज हम बनाएंगे टुक टुक पे एक नई रील, क्योंकि एक रील बनाने के लिए इतने नखरे नहीं करने चाहिए क्योंकि ऑडियंस जब इतना प्यार देती है। एनी वे थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस। नहीं ज़रूर, आई थिंक ऑलवेज रत्ना जी का जो सेंसिटिव अप्रोच है फिल्म को लेकर, वो मुझे वैसे भी जब उन्होंने कहानी सुनाई तो इतनी पोटेंशियल और इतनी सेंसिटिव तरीके से वो सुनाती है और उसी से ये म्यूज़िक ने जन्म लिया है। एक बहुत ही फ्रेश अप्रोच है, एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है एंड एक वक्त ऐसा है जहाँ पर एक सडनली एक फ्रेश रॉ न्यू कमर्स वाली फिल्म यू नो बहुत बहुत बड़ा चेंज ला सकती है, तो उम्मीद है कि वो चेंज इस फिल्म से आएगा। थैंक यू सो मच। ये रहा
यहाँ पे देखिए आइए सर, आइए 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 सर 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 बाबर सर थैंक यू सो मच थैंक यू सर थैंक यू लेफ्ट 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 थैंक यू Yeah, I'm ready, man. You want me to look into the camera? बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे, बिकॉज मेरा थोड़ा बायस भी है क्योंकि प्रीत मेरा बहुत सालों से इज़ वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, बट एक लाइट हार्टेड कॉलेज फन ड्रामा देखने को मिल रहा है, सो लॉट्स ऑफ लाफ्टर एंड लॉट्स ऑफ फन. जी आई थिंक बोथ द गर्ल्स आर डूइंग अ फिनोमिनल जॉब. So I wish them all the luck, and I've just seen half of the film, so I can't wait to see the whole thing. मेरा अभी धक धक करके एक फिल्म है जो हमने कंप्लीट करी है, और मैं अपनी दूसरी अब नेक्स्ट फिल्म के लिए शूट स्टार्ट कर रही हूँ 15 दिन में, पर वो अनअनाउंसड है अभी, तो आई थिंक वी हियर अबाउट दैट सून. धक धक का जॉनर एडवेंचर ड्रामा है क्योंकि हम चार औरतें बाइक पे ट्रैवल कर रही हैं, तो इट्स एन एडवेंचर ड्रामा. आई थिंक दैट्स कम काम तो नहीं करती, पर सिलेक्टेड काम करती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घुस जाती हूँ, तो मैं एक टाइम पे ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकती, पर होपफुली आपको ये फील नहीं होगा कुछ सालों में. थैंक यू देखिए बहुत फन है फिल्म में, एक यंग फिल्म है, बहुत एनर्जी है फिल्म में, और सब एक्टर्स ने अच्छा काम किया है. मिडिल क्लास लव जी मिडिल क्लास लव बहुत अलग अलग होता है यार, आपका अलग रहा होगा, मेरा अलग रहा है, इनका अलग रहा है, लेकिन उन्होंने एक मैम ने एक कहानी पकड़ के चली है मैम, उसमें उन्होंने मसूरी में सेट किया फिल्म को, कैसे मिडिल क्लास लड़का उसकी एस्पिरेशन है, लेकिन अभी सेकेंड हाफ बचा है, तो आई थिंक अभी उसमें बहुत कुछ आई एम श्योर निकल के आएगा. हाँ गॉगल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं यार ये तो बस पहन लिया, पत्र लिखा ने बोला ये आप पहन ये पहन लो, तो मैंने पहन लिया. रत्ना जी के साथ मैंने काम किया है शादी में ज़रूर आना में, जो बहुत ही पॉपुलर फिल्म है, लोगों को बहुत अच्छी लगती है, और ये उनकी फिल्म है, तो ऑफ कोर्स हम यहाँ पे हैं, हमारी सारी विशेज, हमारा पूरा प्यार उनके साथ है. मैंने सुना अच्छा अच्छा बोला अच्छी पिक्चर है, मैं क्या करूँ. इनका तो काम अभी हो गया, इन्होंने बना दिए, अभी आप लोग देखेंगे, लोग बताएंगे. थैंक यू सो मच राज भाई मैं बहुत सुंदर, आप बताओ बहुत क्यूट फिल्म है, वेरी स्वीट. वो आप टिकट खरीदो और जाके देखो, इट्स अ वेरी क्यूट फिल्म, आई थिंक यू कैन वॉच इट विद योर फैमिली, वेरी वेरी स्वीट फिल्म, इट विल मेक यू स्माइल, इट मेक यू लाफ, इट विल मेक यू फील इमोशनल ऑल्सो बाय द एंड ऑफ इट, इट्स वेरी स्वीट.
मैडम जो है वो डायरेक्टर है, तो आप कुछ बताना चाहेंगे डायरेक्टर के डायरेक्शन के बारे में? मैं इतना दिमाग मेरे में नहीं है कि डायरेक्शन और टेक्निकल चीज़ों के बारे में, पिक्चर अच्छी लगनी होती है, इतना पता होता है कि पिक्चर में मज़ा आएगा नहीं आएगा तो उतना ही बता सकती हूँ मैं, तो वो जाके आप देखो। ईशा जी की एक्टिंग कैसी लगी? ईशा जी ने भी यार तीनों ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, वेरी वेरी आई होप ऑल थ्री ऑफ देम गेट रियली गुड वर्क आफ्टर दिस, दे रियली गुड एक्टर्स ऑल ऑफ देम। हाँ यूल स्माइल, यूल लाफ, यूल हैव अ लिटिल इमोशनल मोमेंट एज आई सेड, एंड दिस इज व्हाट हिंदी सिनेमा इज ऑल अबाउट, सो गो एंड हैव फन इन द थिएटर्स। हमारा सबसे देश का सबसे बड़ा तबका मिडिल क्लास है, तो आई थिंक सब रिलेट करेंगे। अरे मैं कोई क्रिटिक नहीं हूँ, मैं कोई रिव्यू नहीं हूँ, मैं जनता का हिस्सा थी अभी ना, मैं एक्टर हूँ यहाँ पे, मैं एज एन ऑडियंस देखने आई हूँ, मैं बस तारे देने नहीं आई हूँ। सर आओ आप दो आपकी बात, टेक्निकल रिव्यू दो सर, टेक्निकल रिव्यू दो मुझे, मुझे टेक्निकल लगता मैम मुझे पूछिए, मेरे को डायरेक्शन का रिव्यू करना है, मैंने कहा ये बताओ बताओ, ऐसे इतनी 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 मेरी औकात नहीं है, मैं डायरेक्शन रिव्यू करूँ अभी, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही पसंद आ रही है, काफी जी तारीफ कर रही है काफी की, तापसी तापसी जी तारीफ करते हैं, ऐसा हो गया जैसे पता नहीं कोई, पर बहुत क्यूट है, बहुत थैंक यू अच्छी है, मैं तो खुद ही बोल रही हूँ। जाओ देखो सर, जाओ देखो ना फिर, जाओ देखो। हिमेश इज सीन इन बोथ द स्क्रीन्स। ओह हाउ कम? आई सॉ हिम गोइंग दिस एंड दिस, ही इज चेकिंग द साउंड कि सब ऐसा वॉल्यूम ठीक है कि नहीं, या ही इज चेकिंग द साउंड। चलो हो गया, हो गया, थैंक यू, थैंक यू। फोटो 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 अरे 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 पैसा लगाया, आप बताऊं भी कैसी लगी मेरे को? अभी आप लोग सब जाके देखना, बिल्कुल जाएंगे ना, बहुत बढ़िया फिल्म है, बहुत रिलेटेबल, मिडिल क्लास फैमिलीज के घर की जो बेसिक परेशानियां, लड़कों की जो मिडिल क्लास बच्चों के जो फ्रस्ट्रेशंस होती हैं उससे डील करती है, स्वीट क्यूट फिल्म है, परिवार के साथ जाके देख सकते हैं। मिडिल क्लास लोग से कितना रिलेट कर पाते हैं आप अपने आप को? पिक्चर का टाइटल मैंने लिखा है, मैंने बनाया है। रत्ना जी इनको बताओ पिक्चर का नाम किसने रखा है? ये मुझे कहते हैं कि आप कितना रिलेट करते हैं टाइटल से। उन्होंने टाइटल रखा है, टाइटल मुझे आ ही नहीं रहा था, उन्होंने टाइटल रखा है। सर मिडिल क्लास नाम से ही मतलब एक अच्छा मैसेज जाएगा लोगों को, अच्छी बात नहीं है ना? बिल्कुल अच्छी बात, गंदा मैसेज जाना चाहिए। नहीं नहीं सर बिल्कुल, इसका सीक्वल बना रहा हूँ मैं, अपर क्लास लव। ओके ये अलग टाइप की पिक्चर बनाती हैं। हाँ हम दोनों अलग अलग टाइप की फिल्में बनाते हैं, डिफरेंट। क्या हो गया, आइए ना सर, आपकी वेट करें, अरे आइए आइए आपकी वेट। प्रीत के बारे में? हाँ 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 सर बोलिए। प्रीत को बुलाओ, प्रीत को बुलाओ, कब? नहीं म्यूज़िक तो खैर अभी लोगों को पसंद बहुत आ रहा है, लेकिन बहुत ही सेंसिटिवली ब्रेक किया आपने पिक्चर। नहीं नहीं जेन्युइनली, एंड प्रीत इज एक्टेड वेरी वेल, वेरी वेरी वेल, वेरी वेल, एंड बहुत ही, और ये बहुत ही जेन्युइनली हमारी फिल्म है इसलिए नहीं, लेकिन आप देखेंगे तो सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद द फिल्म। सो मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही फ्रेश अप्रोच से, एक बहुत ही फ्रेश सब्जेक्ट है, बहुत सेंसिटिवली डायरेक्ट की, और जैसे सुनाई गई थी उससे बेटर
फिल्म बनी है, तो रत्ना जी आउटस्टैंडिंग एंड आई एम वेरी वेरी श्योर दैट एक बार लोग ये फिल्म को देखेंगे तो निराश नहीं होंगे, बिकॉज फिल्मों को देखकर कभी कभी इंसान एक्सपेक्टेशंस बहुत लेके जाता है तो कभी बहुत ज़्यादा फुलफिल होती है। इस फिल्म के साथ वो होने वाला है, अगर आप एक्सपेक्टेशंस लेके जाएंगे तो वो फुलफिल होगी। बहुत अच्छी पिक्चर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।